हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने सारे एक्ट्स हमने स्पेशलाइजेशन में पढ़े हैं, सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स का मैंने एक वीडियो बनाया है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके सारे जो एक्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक सारा सिलेबस कंप्लीट किया है वो जरूर ये वीडियो देखें एक फाइनल रिविजन के लिए। एंड जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, कुछ कुछ चीजें करी हैं, तो वो ये एक्ट्स वाला वीडियो जरूर देखें। उससे एटलीस्ट उनके जो जितने मेजोरिटी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हमने स्पेशलाइजेशन में अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर्स में कवर किए थे, तो वो उनके सारे यहाँ पे एक ही वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा अपने बारे में, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, इस चैनल पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी एग्जाम के। हमने स्टार्ट किया सुपरवाइजर से, तो सुपरवाइजर में मैंने स्पेशलाइजेशन आपको कवर करवाया है, जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन का सारा सिलेबस कंप्लीट किया, प्लस हमारा मैराथन का रिविजन सीरीज भी कंप्लीट होगी पूरे सिलेबस की, एंड एमसीक्यू भी मैंने आपको पूरे सिलेबस के करवाए हैं। ठीक है, यूनिट वाइज एमसीक्यू जो है, कुछ चैप्टर्स के अलग से एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस किया है, हिस्ट्री भी मैंने आपको कवर करवाया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर करवाया है। ठीक है, तो ये सारा हमने सुपरवाइजर से रिलेटेड काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये चीजें हमने कवर करी हैं। फाइन, एंड मैंने आपको एक नया वीडियो दिया है जेके एस का, जिसमें एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस हमने डिस्कस किया था। तो आने वाले टाइम में मैं आपका जेके एस का जीएस कॉम्पोनेंट है वो भी कवर करूंगी, एनटी एग्जाम भी कवर करूंगी। ठीक है, एंड हमारा सोशोलॉजी ऑप्शनल भी साइड बाय साइड चल रहा है, जिसमें नितिन सांगवान सर की बुक का हमारा पेपर ए कम्प्लीट हो गया है, एंड पेपर बी मैं आपके एग्जाम के बाद रिज्यूम करूंगी। उसके बस हमारे चार चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है, दैट मीन 90% आपका यूपीएससी एंड जेके पीएससी का सोशोलॉजी ऑप्शनल भी कवर हो गया है। अगर आप ये सारी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, एंड जरूर रिकमेंड करें मेरी चैनल अपने फ्रेंड्स को भी। ठीक है, एंड सिंस दिस वर्क इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहें तो वॉलंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको मेरा यूपीआई आईडी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उस पर सारे पीडीएफ वगैरह जितने भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उन सब चीज़ों के मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक, एंड प्लस मैंने कोई एक यूएन का डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जिसमें आपको डिफरेंट जेंडर रिलेटेड टर्म्स वहाँ पर लिखी हुई है, तो सिंपल सी टर्म्स हैं, वो एग्जाम जाने से पहले आप जरूर देख के जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अलग अलग लेजिस्लेशन जो हमने डिफरेंट यूनिट्स में पढ़े थे। ठीक है, तो फैमिली मैरिज किनशिप में हमने क्या पढ़ा था, कौन से लेजिस्लेशन पढ़े थे? प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट, ये हमें पता है ये किस लिए हुआ था, ये सती को अबॉलिश करने के लिए हुआ था। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती के लिए, तो इसमें मेजर रोल किसने प्ले किया था, इंडियन कौन थे उनमें, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है, इसका ईयर याद रख लेना 1829। ठीक है, फिर आगे आपका हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856, इन सब के आपको ईयर्स याद रखने हैं। विडो रिमैरिज एक्ट नाम से एविडेंट है, ये किसके लिए लाया गया था, ताकि विडोज जो है वो रिमैरी कर सके। द सिविल और स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, तो इसको क्यों लाया गया, इसको बेसिकली लाया गया इंटरफेथ मैरिजेस, दैट मीन्स इंटर रिलीजन मैरिजेस एंड इंटरकास्ट मैरिजेस को परमिट करने के लिए। ठीक है, 1872 में एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया शादी के रिगार्डिंग, एंड देन 1954 में इसमें और कुछ चीज़ें ऐड की गई, कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई की गई, मॉडिफाई की गई, जो 1872 में दी गई थी। ठीक है, तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट का ईयर याद रखना है 1872, 1954, ये दो ईयर्स, एंड ये किसके लिए, इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ करने के लिए। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 एंड 1978 में इसको अमेंड किया गया। तो 1929 का जो एक्ट है इसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं। तो इस एक्ट में क्या किया था, मैरिजेबल एज को डिटरमिन किया गया था कितनी होनी चाहिए। तो पहले 1929 एक्ट के अकॉर्डिंग गर्ल्स की एज सेट की गई थी 14 एंड बॉयज़ की 18। ठीक है, बाद में इसको अमेंड किया गया एंड 1978 में उस एज को इंक्रीज किया 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़। ठीक है, ये आप याद रख लेना। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या गया, पॉलीगैमी जो है उसको प्रोहिबिट किया गया, मोनोगैमी सिर्फ हो सकती है, दैट मीन्स एक लड़का सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, अगर जब तक वो उसकी बीवी है शादी अभी तक नलिफाई नहीं हुई है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, एंड डिवोर्स को भी इसमें परमिट किया गया था, क्योंकि डिवोर्स को हिंदुइज्म में रिलीजियस सैंक्शन नहीं है, लेकिन ये आप डिफरेंस याद रख लेना, मुस्लिम्स को रिलीजियस सैंक्शन है डिवोर्स का, वो शादी में ही उनके मेंशन है, उनके रिलीजन में ही मुस्लिम्स में मेंशन है कि वो डिवोर्स भी कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके टाइप्स वगैरह वो सारे हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, एंड ये याद रख लेना, जो हिंदू मैरिजेज हैं उनको हम सेक्रमेंट बोलते हैं, सेक्रेट बॉन्ड है, एंड जो मुस्लिम मैरिज है उनको सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट किसके किसको प्रोहिबिट करता है डावरी को, इसका ईयर कौन सा है, 1961। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड 2005 में इसको अमेंड किया गया, तो है किसके रिगार्डिंग, ये प्रॉपर्टी राइट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे मेल्स एंड फीमेल्स में। ठीक है, एंड इसको ये किसको कोडिफाई करके बना है, मिताक्षरा स्कूल को, हमने दो पढ़े थे दया बागा एंड मिताक्षरा, तो ये मिताक्षरा स्कूल को कोडिफाई करके हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 आया है।
2005 में इसको अमेंड किया गया एंड लड़कियों को राइट दिया गया कोपर्सनर्स का, कोपर्सनरी राइट दिए गए। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जैसे लड़के के पास राइट है कि वो उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी, वो कभी भी डिमांड कर सकता है, वो बाय डिफॉल्ट है। वो बाय डिफॉल्ट जो है वो लड़कियों को नहीं था, ठीक है। लड़कियों को अगर विल ऐसी बनाए फादर एंड उनको प्रॉपर्टी शेयर दे तो उनको प्रॉपर्टी शेयर मिलती है, ठीक है, ये उनके पुराने एक्ट में था। लेकिन लड़की बाय डिफॉल्ट डिमांड करे क्योंकि मैं आपकी नेचुरल अर हूँ, वारिस, ठीक है, इसको अर प्रोनाउंस करते हैं, नेचुरल अर में अगर हूं तो मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उसको कॉपर्सनरी राइट बोलते हैं। एंड वो उनको 1956 में नहीं मिला था, वो उनको 2005 के अमेंडमेंट में मिला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का, ये आप याद रखोगे। फिर आ गया आपका मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज बिल, जो बाद में एक्ट बन के 2019, इसको इंट्रोड्यूस कब किया था, 21 जून 2019, ठीक है। तो किसके अगेंस्ट है, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट है। कौन से वाले टाइप ऑफ तलाक है, हमने बहुत सारे तलाक के टाइप्स पढ़े हैं, उसमें तलाक बिद्दत एक था। दैट मीन्स एक ही सिटिंग में अगर हस्बैंड जो है 3 टाइम्स प्रोनाउंस करे कि मैं इसको तलाक देता हूँ, आई तलाक दी 3 टाइम्स, तो वो तलाक हो जाती है। उसके अगेंस्ट इसको एक्ट को लाया गया था, क्योंकि इस एक्ट में क्या हुआ, इसमें इस तलाक बिद्दत के टाइप में क्या हुआ था कि अब फोन पे तलाक देने जाने लगे थे, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेजेस से आप तलाक दे रहे थे, तो इस वजह से एक्ट को लाया गया था। एंड ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दैट मीन जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको विदाउट मैजिस्ट्रियल ऑर्डर पुलिस जो है वो डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करे, या तो लेडी जो है जिनका डिवोर्स हुआ है, जिनको ऐसे दिया गया, वो खुद कंप्लेंट करे, या लेडी का ब्लड रिलेटिव। फिर हमने जेंडर इश्यूज एंड राइट्स में कुछ एक्ट्स पढ़े, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, और उसको अमेंड किया गया था 2017 में, ठीक है। इस एक्ट में जो पेड मैटर्निटी लीव है फॉर वुमेन एम्प्लॉयज की विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, पहले एक्ट में कितनी थी, 12 वीक्स की उनको मैटर्निटी लीव मिलती थी, इस अमेंडमेंट के बाद 2017 में इसको अमेंड किया गया, 26 वीक की इनको लीव जो है पेड मैटर्निटी लीव वो उनको दी जाने लगी, ठीक है। द अमेंडमेंट में ये भी प्रोवाइड किया गया जो वर्किंग मदर्स हैं एंड जिन्होंने एक अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड, तो उनको मैटर्निटी लीव मिलनी चाहिए कितनी, 12 वीक्स की, ठीक है, एंड चाइल्ड अडॉप्ट किया है बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स। एंड ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट इन 2019, इसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। इसमें हमने एक तो डेफिनेशन का पढ़ा था, ट्रांसजेंडर पर्सन कौन होते हैं, कि वो आइडेंटिफाई करते हैं खुद को जिस सेक्स से वो पैदा हुए होते हैं उसके ऑपोजिट, फॉर एग्जांपल अगर वो लड़की पैदा हुए होंगे पर लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में वो खुद को लड़की आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें, वो ट्रांसजेंडर्स कौन से होते हैं जो नीदर मेल नीदर फीमेल नीदर होली मेल नीदर होली फीमेल, ठीक है। एंड इस एक्ट ने क्या किया गया था, उनके लिए कुछ राइट्स लाए गए थे उनको प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उनको फिजिकल प्रोटेक्शन मिले, उनको मेंटल सेक्सुअल प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, एंड उनको राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दिया गया था कि वो खुद से खुद को आइडेंटिफाई करें कि हम ट्रांसजेंडर हैं। फिर आगे देखते हैं द प्रोटेक्शन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी कहा, मिनिमम एज क्या है मेल्स की 21 एंड फीमेल्स की 18, एंड जो बिल लाई गई थी अमेंड करने के लिए 2006 को, इसने क्या कहा था, इंक्रीज करो फीमेल की एज फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स, ठीक है। फिर कुछ कुछ एक्ट जैसे चाइल्ड के लेबर के रिगार्डिंग, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, ये क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिटवीन 7 PM एंड 6 AM, ठीक है। तो इसमें इनके आप ईयर्स याद रख लेना, एंड ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन फ्रॉम 7 PM एंड 6 AM। तो देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, MTP एक्ट इसको बोलते हैं, ये पास किया गया था जैसे जैसे मेडिकल साइंस और ज़्यादा तरक्की हो गई थी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, अबॉर्शन हम सेफली कर सकते थे, तो इस एक्ट को पास किया गया था जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी। पहले तो याद रखो ये जो एक्ट है 1971 वाला, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली टू मैरिड वुमेन, ठीक है, ये सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए था। एंड कब तक जो है अबॉर्शन वो हो सकता था, अप टू 20 वीक्स तक, 20 वीक्स जब तक हो गए हैं प्रेगनेंसी के तब तक अबॉर्शन हो सकता था। बाद में क्या किया गया, इस एक्ट को अमेंड किया गया, एंड वो अमेंडमेंट एक्ट उसको बोलते हैं MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021, यहाँ शायद मुझे मेंशन करना भूल गया है, MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब इसमें क्या चेंजेस लाई, इसमें अनमैरिड वुमेन को भी कवर किया गया कि अनमैरिड वुमेन है वो भी अबॉर्शन जो है अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हैं, किस केस में, अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो गया हो, ठीक है। एक तो अनमैरिड, एंड इनको कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन करनी है जिसका भी अबॉर्शन वो करेंगे, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन नहीं की गई तो आपको इम्प्रिजन, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको जेल हो सकती है up to 1 year, ये अमेंडमेंट में कवर था, ठीक। और कुछ चीज़ें ऐड की गई, एक तो 20 to 24 वीक्स एक्सटेंड किया गया जेस्टेशन पीरियड को, प्लस बियॉन्ड 24 वीक्स जो है वो किन के लिए ऐड किया गया, सर्वाइवर्स ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन, जैसे डिफरेंटेबल माइनर्स या अमंग्स अदर्स, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो किसी रीजन की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई हो,
ठीक है, तो बियॉन्ड 24 उनको क्या किया जाएगा, उनका अबॉर्शन अलाउड किया गया है, किस किस केस में, सर्वाइवर्स ऑफ रेप में, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट में, एंड अदर वल्नरेबल वुमेन में। अदरवाइज कितना एक्सटेंड किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट से, 20 to 24 weeks। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर आप कंफ्यूज हो गए हो। तो एमटीपी एक्ट 1971 ने क्या कहा था, 20 वीक्स तक आप अबॉर्शन जो है वो लेडीज कर सकती हैं। अमेंडमेंट एक्ट में इस 20 को 24 वीक्स किया गया, एंड बियॉन्ड 24 वीक इन केस ऑफ जो विक्टम्स हैं ऑफ रेप के या इंसेस्ट के, उनके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, या डिफरेंटली एबल्ड वुमेन थी, ठीक है, या माइनर्स थे, ठीक है, उनका बियॉन्ड 24 वीक्स पे अबॉर्शन हो सकता है। प्लस इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया, जो मैरिड अनमैरिड लड़कियां होंगी उनका भी अबॉर्शन डॉक्टर करेंगी अगर उनको अबॉर्शन करवाना है, ठीक, अप टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, अगर उनकी प्रेगनेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड के फेल होने की वजह से हुई है, ठीक है, उसी वजह से हुई होगी ऑब्वियसली, उस केस में उनका भी अबॉर्शन अलाउड है। एंड ये जो कौन अबॉर्शन कर रहा है, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, अगर डॉक्टर वो लीक करेगी उनको 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। आगे देखते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास बाई इंडियन पार्लियामेंट इन 2015। उसने सब्सिट्यूट किया जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ को एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 को, ठीक है, इन दोनों को सब्सिट्यूट करके जुवेनाइल जस्टिस जे एक्ट, शॉर्ट में बोलो जे एक्ट 2015 पास हुआ था, एंड इसने रिप्लेस किया था जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ को एंड जे एक्ट ऑफ 2000 को, ठीक है। तो इस एक्ट में जो पास हुआ था 2015 वाला एक्ट, इसमें जुवेनाइल को क्या कहा था, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड जो अर्लियर लॉ था जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी लॉ, उसके अकॉर्डिंग जुवेनाइल कौन था, बिलो 16 ईयर्स, लेकिन जो 2015 का एक्ट है उसमें कौन आ गया, बिलो 18 ईयर्स। और एक्ट में एक क्लॉज इंक्लूड हुआ था फॉर जुवेनाइल्स एज 16 to 18, अगर 16 अबव है, दैट मीन 16 to 18 का जुवेनाइल है एंड कोई ऐसा क्राइम किया है जो बहुत ही ज्यादा हीनियस है, बहुत ही खतरनाक क्राइम किया है, तो उसके वैसे ही ट्रायल होंगे जैसे एक एडल्ट के होते हैं, ठीक है, ये क्लॉज एड किया गया था। एंड ये जो ऑफेंस है क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन विच आर मेंशनड इन द चैप्टर अदर ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑफ जेजे एक्ट 2015 दैट अलाउ एन इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 ईयर्स विल बी डीम्ड नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल होंगे, दैट मीन्स आपको मजिस्ट्रियल ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फिर आ गया पॉक्सो एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड बिलो 18, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, उनके लिए अप्लाई होता है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंस किसी के साथ हुआ है जो 18 बिलो है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको पनिशमेंट दी जाएगी जो पॉक्सो एक्ट में मेंशन होगी, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस आते हैं, जैसे कंप्लीट एंड पार्शियल पेनिट्रेशन, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, पोर्नोग्राफी वगैरह, स्टॉकिंग अ चाइल्ड, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं। तो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें होता है, उसका मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो अक्यूज्ड होगा, उसको कंसिडर किया जाएगा गिल्टी जब तक वो खुद को प्रूव ना करे। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, जो भी अक्यूज होता है ही इज कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक उसका गिल्ट प्रूव ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट कंसिडर होता है, लेकिन इसमें रिवर्स होगा, जो इंसान इसमें इन्वॉल्व होगा ही विल बी कंसिडर्ड द जो अक्यूज होगा ही विल बी कंसिडर्ड एज गिल्टी जब तक उसको इनोसेंट प्रूव किया जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये अब वीडियो पॉज करके ये देख लेना, इसको अमेंड किया गया था 2019 में, जो बिल आई थी उसमें जो पनिशमेंट है वो कुछ ऑफेंसेस की इंक्रीज की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना कितने ईयर्स इसको इंक्रीज किया गया था, ये वीडियो पॉज करके इस टेबल से आप देख लेना। फिर आ गया PCPNDT एक्ट, ये इनएक्ट किया था 20 September 1994 में, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ये प्रिलिमिनरी एक्ट था एंड इट वॉज टू पुट चेक ऑन फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा होते थे, दैट मीन्स अगर आपको पहले ही पता चल जाए वोम में कि फीमेल है, फीमेल फीटिस है या मेल है, तो लड़कियों को क्या करते थे, पेट से ही उनको मार देते थे, इस वजह से इस एक्ट को लाया गया था। इसको बेसिकली PNDT एक्ट ही बोलते थे 1994 में जब इसको लाया गया था, बाद में अमेंड करके PCPNDT बना था। तो मैंने यहाँ पे PCPNDT इसीलिए लिखा है क्योंकि कई बुक्स में मेंशन होता है PCPNDT 1994 सीधे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से मैंने इसको PCPNDT स्टार्टिंग से ही लिखा, अदरवाइज इसको PNDT बोला जाता था जब इसको 1994 में लाया था, बाद में अमेंड करके ये PCPNDT बना था जब इसको 2003 में अमेंड किया गया था, ठीक है। तो PCP नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन 1994 वाज अमेंडेड इन 2003 टू द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेक्स सिलेक्शन, क्योंकि अब हम 1994 से कहाँ आ गए हैं 2003 में, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई है जिसके जिस में आप अलग अलग तरीकों से पता करवा सकते हो कि फीटस का सेक्स क्या है, इसीलिए आपको थोड़े रूल्स भी स्ट्रांग लाने थे ताकि इस चीज़ को कर्ब किया जाए।
तो अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट मेनली कवर्ड ब्रिंगिंग द टेक्निक ऑफ प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट. ठीक है, प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन जो है वो भी इसके एक्ट के अंदर आती है. तो प्री कंसेप्शन कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है जैसे हॉर्मोन्स होते, जैसे क्रोमोजोम्स होते हैं एक्स एक्स फीमेल के, एक्स वाई मेल के, तो फीमेल का हमेशा एक्स ही रिलीज होता है, मेल का एक्स या वाई रिलीज होगा. अगर यहाँ से एक्स आएगा तो वो गर्ल चाइल्ड बनती है, अगर यहाँ से वाई आएगा तो वो मेल चाइल्ड बनता है. ठीक है, क्योंकि गर्ल का हमेशा एक्स ही आएगा. ठीक है, तो ये डिटर्मिन कौन करेगा, ये लड़कों से डिटर्मिन होता है कि बेटा होगा या बेटी होगी. लेकिन हमारी सोसाइटी में उल्टा होता है ना, जिनको बेटियां नहीं पसंद, अगर बेटियों बेटियों के पैदा होने पे उनका मूड खराब होता है, तो ऐसा कई बार होता है डिवोर्स दे देता है कोई अपनी वाइफ को, किसको सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं. लेकिन ये जाहिलियत की एक निशानी है, क्योंकि एक्स एक्स हमेशा एक्स ही रिलीज करेगी, ये फीमेल है एंड मेल एक्स वाई है. उसका अगर एक्स निकलेगा तो गर्ल होगी, उसका अगर वाई निकलेगा तो बॉय होगा. तो कहाँ से डिटर्मिन हुआ, ये मेल के क्रोमोजोम से डिटर्मिन हुआ. तो खैर ये एक अलग इशू है, सोशल इशू. यहाँ पे हमें देखना है अब ये एक्स रिलीज होगा कि वाई रिलीज होगा. ऐसी टेक्निक्स भी आई थी कि आप इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हो. तो प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन जो है वो भी एक तरीके से पॉसिबल था, उसको इसमें बैन किया गया. अल्ट्रासाउंड को इसके एम्बिट में लाया गया एंड एमनियोसेंटेसिस को. एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जो बच्चा पेट में होता है माँ के, वो एक एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, उस फ्लूइड का एक सैंपल लेके वहां से भी आप पता कर सकते हो लड़का है कि लड़की है, उसको भी इसके एम्बिट में लाया गया. कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है, इस एक्ट में. एंड कहा एक NMIC जो है नेशनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, वो आप इसको फॉर्म करो, वो मॉनिटर करेगी कि एक एक्ट जो है सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं. एंड जो ऑफेंसेस इस एक्ट में किए गए हैं उनको कॉग्निजेबल बनाया गया, दैट मीन्स वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट मजिस्ट्रियल ऑर्डर. पुलिस जो है डायरेक्टली उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है. फिर ड्रग के रिलेटेड लॉज हमने पढ़ा, कॉलोनियल एरा में हमारे थे ओपियम एक्ट 1857, 1876 एंड 1878, देवर पास टू कंट्रोल द कल्टिवेशन एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम. ठीक है, ओपियम की सिर्फ कल्टिवेशन मैन्युफैक्चर कंट्रोल करने के लिए, कंजम्पशन नहीं. फिर डेंजरस ड्रग एक्ट पास हुआ था 1930 में, इसने कंट्रोल किया ड्रग कल्टिवेशन मैन्युफैक्चर सेल पोजेशन ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन. अभी भी कंजम्पशन जो है उसको इसमें नहीं इंक्लूड किया गया था. ठीक है, The act primarily applied to the drugs जो derive हुए थे plants जैसे poppy, hemp, cocoa and इसमें कोई offence consumption के लिए attach नहीं किया गया था. फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया था 1940 में, इसने क्या किया था, इसने रेगुलेट किया था मेडिसिन को. ठीक है, मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि मेडिसिन को भी कोई ड्रग के फॉर्मेट में जो है कंज्यूम कर सकता है, ड्रग कंसिडर करके. इसीलिए कितने अमाउंट में आप किस मेडिसिन को ले सकते हो एंड कौन सी मेडिसिन आपको सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे मिलेगी, वो चीजें जो है बाय लॉ डिटर्मिन होती हैं. ठीक है, इसीलिए कश्मीर में तो यहाँ तो चलो आपको दे देते हैं, आप कोई भी मेडिसिन लेने जाओ मेडिकल शॉप पे आपको दे देंगे, पर आप बाहर चले जाओ स्टेट से, खासकर मैंने साउथ में ऐसा देखा है कि वो आपको क्रोसिन भी नहीं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर देते हैं. ठीक है, तो ये काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कुछ स्टेट्स में. फिर हमारे पास आया नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसको NDPS एक्ट बोलते हैं. इंडिया जो है ये पार्टी है टू द 3 कन्वेंशन ऑन ड्रग यूज. ठीक है, उसने साइन किया है 3 कन्वेंशन ड्रग यूज पे, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जिसमें ये आती है सिंगल कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एंड 1988 का कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन NDPS. ठीक है, एंड इनको ये जो 3 कन्वेंशन इंडिया ने साइन की है, इसको बाद में एक प्रैक्टिकल शेप देने के लिए इंडिया ने NDPS एक्ट 1985 में पास किया गया था. इसने रिप्लेस किया ओपियम एक्ट एंड डेंजरस ड्रग एक्ट जो हमने अभी डिस्कस करे 1930 के, लेकिन 1940 वाला जो है कंटिन्यूज टू अप्लाई. ठीक है, जो NDPS है अब ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है कल्टिवेशन, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, यूज, कंजम्पशन एंड कंजम्पशन. ठीक है, तो कंजम्पशन भी कहाँ से आ गया, NDPS एक्ट से आ गया, एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक एंड मेडिकल पर्पजेज. ये जो एक्ट है इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स एंड सब्सटेंसेज आती हैं. पहले हो गए नार्कोटिक ड्रग्स, जैसे कि 1961 कन्वेंशन में डिफाइन हुआ है. फिर आगे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, जो 1971 कन्वेंशन में डिफाइन हुआ है. साइकोट्रोपिक ड्रग्स हम यूजुअली किनको बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कोई हाई है, ठीक है, उसकी मेंटल स्टेट को, मेंटल एबिलिटी को टू थिंक, उसके मूड को इम्पैक्ट करता है, तो दैट इज साइकोट्रोपिक. एंड नार्कोटिक होता है जो यूजुअली स्लीप इंड्यूस करता है, ठीक है, या पेन को डल कर देता है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स. तो 3 जो है ब्रॉड कैटेगरीज कवर होती हैं इसमें, इस एक्ट में, NDPS एक्ट में. पहले नार्कोटिक हो गए, साइकोट्रोपिक हो गए. नार्कोटिक जो 1961 कन्वेंशन में डिफाइन हुए थे, साइकोट्रोपिक जो 1971 कन्वेंशन में हुए थे, एंड कंट्रोल सब्सटेंसेज जो हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज सब्सटेंसेज. ठीक है, अब ये ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल्स हमें यूज होते हैं, उन केमिकल्स को भी हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि किसी के पास अगर वो केमिकल्स आ गए तो वो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, सच एज एफिड्रीन एंड स्यूडोएफिड्रीन. ठीक है,
अब कैनबीज का देख लो, भांग वगैरह का. ऑल्दो कैनबीज इन इंडिया इज नॉट लीगल अंडर एनडीपीएस एक्ट, लेकिन इसमें कैच है वो आपको याद रखना है. अगर ये जो भांग है, कंजम्पशन ऑफ इट एज भांग, अगर वो लीव से बनाई है, कैनबीज प्लांट के लीव से, ठीक है, लीव एंड सीड से, तो वो अलाउड है. लेकिन अगर वो प्लांट के टॉप से बनाई है, ठीक है, फ्लावरिंग वाले पोर्शन से, वो मैंने आपको लेक्चर में उसकी डायग्राम भी दिखाई थी, अगर वो वहां से बनाया होगा तो वो लीगल नहीं है. ठीक है, दोबारा से पढ़ लो. ऑल दो कैनबीज जो है ये लीगल नहीं है अंडर एनडीपीएस एक्ट, लेकिन एक इसमें जो है एक्सक्लूजन है कि अगर इसको कंज्यूम करेंगे एज भांग जो बनी होगी लीव्स ऑफ द कैनबीज प्लांट से एंड सीड्स ऑफ द कैनबीज प्लांट से, तो वो जो है इलीगल नहीं है, वो कंज्यूम कर सकते हैं. लेकिन अगर वो टॉप से बनी होगी कैनबीज प्लांट के टॉप से, तो वो इलीगल है. एनडीपीएस एक्ट को 3 बार अमेंड किया गया है आज तक, 1989 में, 2001 में और 2014 में. ठीक है, तो 1989 में क्या किया गया था, ये जो अमेंडमेंट है लाया गया था, प्रोविजंस जो है इसके अगेंस्ट, ठीक है, इसकी कंजम्पशन एंड सेल के अगेंस्ट, उसको ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, हार्श करने के लिए. तो डेथ पेनल्टी को मैंडेटरी बनाया गया था फॉर रिपीट ऑफेंसेस एंड मैंडेटरी 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसेज और बेल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लाई गई थी. फिर 2001 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, क्वांटिटी बेस्ड सेंटेंसिंग लाई गई थी. दैट मीन्स स्मॉल, जिसके पास स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसकी कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, जिसके पास ये ड्रग्स इंटरमीडिएट क्वांटिटी के होंगे या कमर्शियल क्वांटिटी के होंगे, दैट मीन्स सेल वगैरह के पर्पज से किसी ने अपने पास रखे होंगे, तो उनकी क्या अमेंडमेंट होगी. ठीक है, तो 2001 में क्या किया गया था, क्वांटिटी बेस्ड सेंटेंसिंग लाई गई थी. 2014 अमेंडमेंट जो है, लास्ट लेटेस्ट अमेंडमेंट 2014 में हुई थी, उसमें क्या किया गया था, एक नई कैटेगरी को नेम दिया गया था, एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स, रेगुलेट करने के लिए सर्टेन एसेंशियल नार्कोटिक्स को एक यूनिफाइड मैनर अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, तो कुछ ड्रग्स को एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स नोटिफाई किया गया था, ताकि उनको कंट्री में उनके लिए एक सेम ही लॉ बने जो उनको रेगुलेट कर सके उनके यूजेज को. ठीक है, सेकेंड वन वॉज प्रमोट करना मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज ड्रग्स का, ताकि बैलेंस कर सके कि कितना ड्रग्स होना चाहिए, ताकि मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज के लिए अगर किसी को रखना है उसमें कोई कमी ना आए. ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस किए थे टर्म्स लाइक मैनेजमेंट रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रीटमेंट सेंटर्स, इस्टेब्लिश करने के लिए एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट अप्रोचेस जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनके लिए. एंड जो डेथ पेनल्टी है उसको डिस्क्रिशनरी बनाया गया इस अमेंडमेंट में. पहले क्या किया था, मैंडेटरी रिपीट ऑफेंस के लिए, एंड यहाँ पर डिस्क्रिशनरी बनाया गया. दैट मीन्स केस टू केस बेस पे ये डिसाइड होगा कि डेथ पेनल्टी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए. फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसमें याद रख लो जो भी ड्रग कंजम्पशन वगैरह, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें जिसको हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं, उसको लाया गया डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस में. दैट मीन्स आप भी उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं ट्रीट करना है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए एंड क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट से उसको दूर रखना है. ठीक है, तो जो मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे कोई क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके लिए ना हो, इस वजह से एसयूडीज को कहाँ लाया गया था, डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस में. फिर आगे देखो, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इन एमएचसीए 2017 जो एसयूडीज हैं, देवर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस, उनको मेंटल इलनेस में इंक्लूड किया गया था. इस वजह से राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दी जाती है. तो अब इन दो एक्ट को अगर हम साथ में देखेंगे, दैट मीन्स जो एसयूडीज हैं और जिन जो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह लोग होते हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दी जाएगी एज पर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. दैट मीन्स गवर्नमेंट अगर डिसेबल्स के लिए, जिनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिली हुई है, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लेके आए, कुछ बेनिफिट्स लेके आए, तो वो बेनिफिट्स जो हैं वो ड्रग अब्यूजर्स जो हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको भी मिलेंगे. फिर आगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसमें पेनल्टीज प्रोवाइड की गई थी इन रिलेशन टू द करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट्स. तो पब्लिक सर्वेंट्स करप्शन करते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह. ठीक है, फिर इसको अमेंड किया गया 2018 में, जिसने क्रिमिनलाइज किया ब्राइब गिविंग को भी एंड ब्राइब टेकिंग को भी. दैट मीन्स किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर कोई रिश्वत देगा, रिश्वत देने वाला भी जो है वो भी पेनलाइज हो जाएगा, एंड जो रिश्वत जिसने ली होगी उसको भी पनिशमेंट मिल जाएगी. ठीक है, फिर आगे लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट 2013, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्तास, सेंटर में एक लोकपाल एंड स्टेट के लिए लोक आयुक्तास. उनमें बेसिकली क्या होता है, दोनों जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज है. ठीक है, जो ओवरलुक करेंगे करप्शन अगर वो कोई मिनिस्टर ग्रुप, ABCD ऑफिसर्स, ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर, वो सारे इसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं.
फाइन, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ऑम्बड्समैन. जैसे ऑम्बड्समैन होता है, हर एजेंसी के एक ऑम्बड्समैन होता है. अगर उस एजेंसी के रिगार्डिंग कोई भी इशू होगा एंड कोई कंप्लेंट करनी होगी, खासकर करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट, तो कोई चैनल होती है ना जिसके थ्रू जाएंगे. सीधे कंपनी के जो ओनर होगा उसके पास नहीं जाया जाता है, एक मीडियम होता है, तो उस मीडियम को हम ऑम्बड्समैन बोलते हैं. तो ये एक्ट करेंगे एज ऑम्बड्समैन किसी को, अगर ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर से कोई शिकायत है, तो वो थ्रू लोकपाल जो है या लोक आयुक्तास जो एस्टैब्लिश किए गए हैं सेंट्रल स्टेट में, उनके थ्रू जाके वो अपने करप्शन जो है उन पे वो एलिगेशन वगैरह लगा सकता है. इंक्वायरी फर्दर हो सकती है. टू इंक्वायर इन टू द एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर द रिलेटेड मैटर्स. फिर है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, इसको अमेंड किया गया था 2016 में. ठीक है, जो ये एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन ऑल द ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस. ठीक है, तो बिलो 14 जो है उनकी जो है प्रोहिबिशन कंप्लीटली, उनके एम्प्लॉयमेंट को कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है. इट विल ऑल्सो मेक जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉइंग एनी चाइल्ड और एडोलसेंट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट कॉग्निजेबल. दैट मीन्स अगर किसी को एम्प्लॉय किया इस एक्ट के खिलाफ गए तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा. अब जो चिल्ड्रन है बिटवीन 14 to 18 कैटेगरी, उनको वो कैटेगराइज होते हैं एज अडोल्सेंट्स एंड आर नॉट अलाउड टू वर्क इन नॉन हजार इन हजार्डस ऑक्यूपेशन. जो हमने अभी तक कहा बिलो जो 14 है उनकी एम्प्लॉयमेंट को कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया गया है. फिर 14 to 18 है उनको प्रोहिबिट किया गया हजार्डस जगहों पर, दैट मीन्स नॉन हजार्डस जगहों पर काम कर सकते हैं. ठीक है, एंड जो एग्जिस्टिंग लॉ है ये परमिट करता है एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री. हम देखते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह हमारे होते हैं, क्योंकि ये कवर नहीं होते हैं अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में कवर नहीं होते हैं. और जो चिल्ड्रन है दे विल बी एबल टू वर्क इन फैमिली बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस जो है वो नॉन हैजार्डस होगा. तो यहाँ पे एज याद रख लेना, 40 बिलो 14 जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है एंड 14 to 18 वो नॉन हैजार्डस ऑक्यूपेशन में बच्चे काम कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह जो हमने स्पेशलाइजेशन में डिस्कस किए थे. अलग अलग जगहों पे रिवीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, एक ही जगह पे आपको सारा जो है मटेरियल वो मिल जाएगा एक्ट्स के रिगार्डिंग रिवाइज करने के लिए. ठीक है, तो अगर आप मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँ फिर आप पीडीएफ से रिवाइज करो, वो उस चक्कर में आप फिर से चीज़ें भूल जाओगे. तो जितना आपको मैं समझाऊंगी उतना ज़्यादा आप रिटेन करोगे, इससे रिटेंशन मेमोरी बढ़ती है. अगर कोई और बात तो करके समझाए चीज़ें. ठीक है, तो देखते हैं आगे, अगर और कोई वीडियो मुझे लगा कल तक आपके लिए रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो मैं लेके आऊंगी. सो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड अच्छे से प्रिपेयर करना. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.